नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल, और काफी गैपिंग के बाद अब स्थिर हो गया हूँ। कंटिन्यू वीडियो जाना है, नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी बातें करूंगा। फिलहाल एक नया ट्यून नए घर से आप लोग के लिए भेज रहा हूँ, इसको एंजॉय करिए, रोज प्रैक्टिस करिए। बहुत कमाल का ट्यून है, रिदम के साथ कहरवा ताल पे पूरा कंट्रोल करने के लिए इसको प्रैक्टिस इसका किया जा सकता है। आइए पहले मैंने अपना ट्यून बना के आप लोग के लिए तैयार किया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। मुझे लगा नया घर से वीडियो बन रहा है तो नया ट्यून होना चाहिए, मेरा खुद का क्रिएशन है। पहले ट्यून को सुनिए फिर सरगम बताता हूँ। छोटा सा पीस है लेकिन जबरदस्त प्रैक्टिस होगा। आइए रिदम के साथ दिखा। फिर गा के बताता हूं, गला का रियाज भी होगा, फिंगर कॉर्ड लीड सभी का प्रैक्टिस है। आकार में भी रियाज करें, इस ट्यून का जबरदस्त गला रियाज होगा। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आप लोग के सहयोग से अपने नए घर में परिवार के साथ प्रवेश किया हूँ, रहना शुरू कर दिया हूँ, और इतना खूबसूरत घर जिसे देख के हमारे परिवार के साथ साथ सारे चाहने वालों को हार्दिक खुशी है। और ये संभव हुआ है आप लोग के सहयोग, हौसला अफजाई और कंट्रीब्यूशन के बल पे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीका से ये खूबसूरत घर बन पाया है उसी तरीका से कॉलेज का काम भी पूरा होगा आप लोग के सहयोग के बल पे। कॉलेज का काम स्टार्ट है और तेज़ रफ्तार से चाहता हूँ ये काम भी हो। आप लोग का सहयोग ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी में कैसे कर सकते हैं, अपने अपने स्केल में किया जा सकता है। मैं सी शार्प से बता रहा हूँ, बिलावल थाट को बेस करके मैं बना रहा हूँ, लेकिन कोमलनी का प्रयोग है खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ये किया जा सकता है। आप किसी भी स्केल में कर सकते हैं, किसी भी थाट में इसका यूज कर सकते हैं इस ट्यून का। ओके, शुरुआत मैंने किया, उसका नोट आप देख लीजिए, सा से चले हैं। सा ग प म ग रे सा नी सा, ये फर्स्ट स्टेप। सा ग प म ग रे सा नी सा, कॉर्ड लिए रिदम के साथ आपने सुना। सेकेंड स्टेप है, फिर यही है, सा ग प म ग रे सा नी रे, सेकेंड स्टेप है। फिर से देखिए, सा ग प म ग रे सा नी रे। अब रे के लिए बिलावल में दो कॉर्ड है, एक तो रे मध ले सकते हैं या नीचे का प नी लेके रे ले सकते हैं, तो ये दोनों स्टेप मेन है, देख लीजिए। सा ग प म ग रे सा नी सा, सा ग प म ग रे सा नी रे। और इसके बाद है ग नी सा रे म, ग नी सा रे म, प सा नी प नी ध ग म प रे ग म ग रे सा। थोड़ा एडवांस किया गया है लास्ट में आके, बहुत जबरदस्त रियाज होगा। फिर से देख लीजिए,
सा ग प म ग रे सा नि सा। और सेकंड स्टेप सा ग प म ग रे सा नि रे ग नि सा रे म। ये थर्ड स्टेप मान सकते हैं ग नि सा रे म। ये थर्ड स्टेप मान लीजिए ग नि सा रे म। फोर्थ में पसानी पानी धा। फिफ्थ में ग म प रे ग म ग रे सा। ऐसा फिफ्थ स्टेप बना के रियाज करें तो जल्दी कंट्रोल भी हो जाएगा और फिर फाइन रियाज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक बार और देख लीजिए। सा ग प म ग रे सा नि सा। वन सा ग प म ग रे सा नि रे। टू ग नि सा रे म। थ्री प सा नि पा नि धा। फोर ग म प रे ग म ग रे सा। फाइन बजाइएगा रिदम के साथ, जैसा मैं बजाया हूँ तो ऐसा इसका मेलोडी आएगा। सा ग प म ग रे सा नि सा। सा ग प म ग रे सा नि रे। दो बार करें सा ग प म ग रे सा नि सा। सा ग प म ग रे सा नि रे ग नि सा रे म पा नि धा प सा नि पा नि धा ग म प रे ग म ग रे सा। प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना करे उतना फास्ट होगा। सा ग प म ग रे सा नि सा। सा ग प म ग रे सा नि रे। सा ग प म ग रे सा नि सा। सा ग प म ग रे सा नि रे ग नि सा रे म पा नि प सा नि पा नि धा ग म प रे ग म ग रे सा। ग म प रे ग म ग रे सा। ग म प रे ग म ग रे सा। तो एक ट्यून था जो शुरुआत करने के ख्याल से, पूरा सेटअप अभी बना नहीं, ऊपर अभी ये स्टूडियो बन ही रहा है, अभी अपने बेडरूम से ये वीडियो बनाया हूँ छोटा सा, ताकि आप लोग जग जाएं, प्रैक्टिस में लग जाएं और हमारे साथ बने रहें। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलता रहूँगा अब कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।